हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम आपके समक्ष विलोम शब्द के खंड ख में और हिंदी व्याकरण के भाग नौ में कुछ नए शब्दों को लेकर आए हैं। इनके विलोम शब्द आपके समक्ष मैं रखूंगा। ये जो है विलोम शब्द परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला शब्द है शुष्क। शुष्क का विलोम शब्द होगा आर्द्र। आर्द्र क्षुद्र। क्षुद्र का विलोम शब्द होगा महान। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। अर्श। अर्श का विलोम शब्द होगा फर्श। सज्जन। सज्जन का विलोम शब्द होगा दुर्जन। सदाचारी। सदाचारी का विलोम शब्द होगा दुराचारी। निंदा। निंदा का विलोम शब्द होगा प्रशंसा या स्तुति। प्रशंसा भी लिख सकते हैं, स्तुति भी लिख सकते हैं, प्रशंसा या स्तुति। निर्माण। निर्माण का ध्वंस। राग। राग का विलोम शब्द द्वेष होगा। शामीस। शामीस का विलोम शब्द निरामीस होगा। एरी। एरी का विलोम शब्द चोटी होगा। प्रकाश। प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार होगा। साकार। साकार का विलोम शब्द निराकार होगा। आज। आज का विलोम शब्द बिता हुआ कल होगा। आयात। आयात का विलोम शब्द निर्यात होगा। शिक्षित। शिक्षित का विलोम शब्द अशिक्षित होगा। शुक्ल। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा दिखाई देता है और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल का उल्टा जो होगा विलोम शब्द विपरार्थक शब्द कृष्ण होगा। उष्ण। उष्ण का विलोम शब्द शीत होगा। गुरु। गुरु का विलोम शब्द शिष्य होगा। उग्र। उग्र का विलोम शब्द शांत होगा। उच्च। उच्च का विलोम शब्द निम्न होगा। उच्च मने ऊंचा तो निम्न मने नीचा, निम्न। हार। हार यहां जय पराजित होने से है तो इसका जीत होगा। लघु। लघु का विलोम शब्द दीर्घ होगा। आर्ज। आर्ज का विलोम शब्द अनार्ज होगा। जय। जय का विलोम शब्द पराजय होगा। औपचारिक। औपचारिक का विलोम शब्द अनौपचारिक होगा। अल्पायु। अल्पायु का विलोम शब्द दीर्घायु होगा। साधु का विलोम शब्द चोर होगा। चोर होगा। अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होगा। अनाथ
जिसका कोई नहीं हो, सनात जिसका सब कोई हो। एक का विलोम शब्द अनेक होगा, ताप का विलोम शब्द शीत होगा, उजला का विलोम शब्द काला होगा, काला का विलोम शब्द गोरा होगा, सीधा का विलोम शब्द उल्टा होगा, आशा का विलोम शब्द नींद आशा होगा, धर्म का विलोम शब्द स्टूडेंट अधर्म होगा, उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित होगा, आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण या प्रतिकर्षण। एकता का विलोम शब्द अनेकता होगा, सरस का विलोम शब्द नीरस होगा, रक्षक का विलोम शब्द भक्षक होगा, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होगा, उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट होगा, आदान का विलोम शब्द प्रदान होगा, और अंतिम शब्द है आकाश, इसका विलोम शब्द पाताल होगा। स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 45 शब्दों के विलोम शब्द रखे, अब देखते हैं। अगर आपको ये विलोम शब्द आपके लिए लाभकारी हो और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और हिंदी व्याकरण के और प्रसंग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करें। अगले वीडियो में हम विलोम शब्द भाग ख यानी हिंदी व्याकरण के भाग 10 में 45 नए शब्दों के विलोम शब्द आपके समक्ष रखूंगा। इसके बाद विलोम शब्द से संबंधित मैंने कुछ प्रश्नों को तैयार किया है, वो आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।